तो रायबरेली से ऐलान हो गया है, जो है राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में। उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो यहाँ पे बृजेश पाठक को आपने सुना, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है वो प्रतिक्रिया आपको हम दिखाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि अमेठी से श्री राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना कांग्रेस और सपा इंडी गठबंधन की नैतिक पराजय और भाजपा की विजय है। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू हो चुकी हैं। आज सुबह ही ऐलान हुआ है, कांग्रेस ने अपनी दो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, जहां अमेठी से केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा है। गांधी परिवार के वो काफी करीबी हैं। और दूसरी तरफ रायबरेली से राहुल गांधी को आखिरकार चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। और रायबरेली से तो इस ऐलान के बाद यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया संतलत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह।